तो दोस्तों, आईटी का जो स्कोप है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और बहुत आगे ये जाने वाला है। क्योंकि अभी देखो, हम लोग पहले क्या करते थे, फिजिकली कंप्यूटर यूज़ करते थे एक सर्वर के लिए। अब क्या हो रहा है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म आ गए, AWS आ गया, अजोर आ गया, अलीबाबा क्लाउड, गूगल क्लाउड, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स ने अपने अपने ऑफर कर दिए हैं क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म को। तो वो सारी कंपनियां भी शिफ्ट कर रही हैं क्लाउड पे। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आईटी में। और आईटी फील्ड एक ऐसा है ना, जिसको आप कभी इसको लॉसेस में नहीं देखोगे। आप अगर कहीं मार्केट पे जाओगे या मार्केट में सर्च करोगे, तो आईटी की वैकेंसी हमेशा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगी या हमेशा आपको चलती हुई मिलेगी। क्योंकि आईटी के लिए ना बहुत, अपने में एक बहुत बड़ा फील्ड है और जिसका करियर एंड ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होना है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर उठा के देख लो, अगर आप सिर्फ बात कर रहे हो, अगर आप, मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल अगर ले लूँ एक डेवलपर का, तो डेवलपर के अंदर ना बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग। आप जावा डेवलपर, PHP डेवलपर, .NET डेवलपर, पाइथन, कोर जावा, C++, मतलब मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें भरी हैं। तो अगर आप किसी आईटी की एक फील्ड से जाने के बाद भी, और अगर आप ऊपर तक जाना चाहते हो, एक मतलब अच्छी खासी सैलरी पे काम करना चाहते हो, तो किसी भी एक प्रोफाइल को उठा के और आप उसमें मास्टर बन जाओ, आप उसमें लाइक एक PhD की तरीके अगर आप उसमें कर लेते हो, तो आने वाले दिनों में उसकी उसका फ्यूचर करियर ग्रोथ और सैलरी के अकॉर्डिंग, उसमें सैलरी जिस हिसाब से आपको मिलेगी, बहुत बेहतरीन होगी। क्योंकि इसका करियर कभी ख़त्म नहीं होता है। आप अगर किसी और भी फील्ड से हो, अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी और भी ब्रांच से हो, तब भी आप जा सकते हो। बट क्या है कि आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उतना टैलेंट आपके पास बेसिकली होना चाहिए ताकि आप कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सको और उसको क्रैक कर सको। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर वो आपसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अगर मैं एक सीधी सी बात करूं, अगर 1 लाख रुपए आपसे वो निकाल लेगी मंथली, उसके बाद आपको 10,000 रुपये सैलरी देगी, तो उस बिहाइव पे कंपनी आपको हायर करती है। अगर आप अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, मैं यहाँ पे डेवलपर की बात कर रहा हूँ, और इसके बाद आप मूव होना चाहते हो क्लाउड में या किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में, तो जब एक बार आपका इनिशियल हो जाता है, जब एक बार आपका करियर स्टार्ट हो जाता है, तो आपको वो चीज़ें पता चलती रहती हैं इंटरनली कि हाँ, मैं ये करूँगा तो इसमें क्या मिलेगा, ये करूँगा तो आगे कितनी ग्रोथ होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं। आई होप आप समझ गए होगी एग्जैक्टली एक्चुअली में इसका ग्रोथ कैसा है और सैलरी वाइज कैसा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।